नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं कह तो देता हूं रोज, लेकिन आप कभी कभी भूल जाते हो, तो मत भूलो, करते रहो वीडियो को लाइक और शेयर। इसी जरिए मुझे पता चलेगा कि आप मुझे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, और नहीं तो डिसलाइक भी कर दिया करो, पता चलेगा कि हाँ कितने लोगों को पसंद नहीं आया, बिल्कुल बकवास सा लगा। बिल्कुल बकवास सा लगेगा तो ही डिसलाइक करना, ठीक है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। 21 अगस्त तारीख हो गई है, स्वच्छता सर्वेक्षण के फिर से रिजल्ट जारी किए गए हैं, और कौन सा शहर ऐसा है जो स्वच्छता सर्वेक्षण के इस संस्करण में भी पहले नंबर पर आया है। नन अदर देन ऑप्शन, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर अगेन वंस फिर से एक बार लगातार 4 सालों से वो लगातार पहले नंबर पर आ रहा है और सबसे स्वच्छ सिटी है इंडिया का। तो जो लोग इंदौर से हैं उन सभी को बधाई, और जो लोग इंदौर से हैं वो कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएंगे कि सर मैं इंदौर से हूं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन यानी कि लगभग 7500 करोड़ रुपए का कर्ज देने को मंजूरी दी है। ये पूरी रकम एक साथ नहीं आएगी, किस्तों में ही आएगी, बट उन्हें और ज्यादा किस्तें लेने के लिए बार बार मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। और इस तरीके से दिल्ली का ट्रैफिक जो लोगों को परेशान कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन जाएगा। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक अलग से डेडिकेटेड रोड होगा जो दिल्ली से मेरठ ले जाने वाले लोगों के लिए होगी। इसके अलावा मेट्रो का भी वहां पर डेवलपमेंट होने वाला है, मेट्रो के एक और फेज वहां पर बनने वाला है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला ये 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा और दिल्ली के सराय काला खां से गाजियाबाद मेरठ को जोड़ेगा। इसमें कुल 24 स्टेशन होंगे, जिनमें 21 उत्तर प्रदेश में होंगे और बाकी बचे दिल्ली में होंगे। प्रत्येक स्टेशन के बीच 10 किलोमीटर का फासला रखा जाएगा। तो हाल फिलहाल इस कॉरिडोर को जो डेवलप कर रहा है वो NCR परिवहन निगम यानी कि NCRTC ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है, और ADB ने जारी किया है 7500 करोड़ रुपए का कर्ज किस लिए, दिल्ली मेरठ रेल ट्रांजिट, मेट्रो रेल ट्रांजिट रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए, मैं नाम भूल गया था। तो ADB के बारे में बात करें तो कल ही हमें एक न्यूज पता चली थी कि ADB में जो अब हमारे उपाध्यक्ष होंगे वो होंगे आपके अशोक लवासा जी, जो वर्तमान समय में हमारे चुनाव आयुक्त हैं। 31 अगस्त को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो ADB में दिवाकर गुप्ता की जगह लेने जा रहे हैं। ADB की बात करें तो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो मासासुगु आसाकावा हैं। इसका मुख्यालय माडलोइंग फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में यानी कि 1966 में की गई थी। तो ADB दिल्ली के ट्रैफिक को सुधारने के लिए, दिल्ली के ट्रैफिक को डेवलप करने के लिए, दिल्ली को और थोड़ा सा डेवलप करने के लिए दिल्ली मेरठ रेल रैपिड प्रोजेक्ट के लिए 7500 करोड़ रुपए का कर्ज देने वाला है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी वही स्वच्छता सर्वेक्षण लीग यानी 2020 की रैंकिंग जारी कर दी गई है, और इसमें एक बार फिर से इंदौर जो है वो पहले स्थान पर आया है। देश का सबसे साफ शहर इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मार चुका है। 2016 में हुए सबसे पहले सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मैसूर को मिला था, और उसके बाद से इंदौर ने किसी को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। 2017, 2018, 2019, 2020 में लगातार वो शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है, आपको पता होगा, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत है। सूरत से याद आया, अभी हाल ही में गुजरात में सूरत में काकरा पार 3 एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की गई थी, जिसका प्रोजेक्ट जो 750 मेगावाट है उसका उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, जबकि नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं 100 से कम शहरों वाले राज्य में झारखंड नंबर 1 आया है, झारखंड नंबर 1 राज्य बना है। और मोदी सरकार हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करती है, और इसके पीछे मोटिव यह है कि सफाई को एक कंपटीशन के तौर पे लेके आना, एक प्रतिस्पर्धा के तौर पे लेके आना, ताकि जो शहर हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें और अपने आप को ज्यादा स्वच्छ बनाने की बातचीत करें। फिलहाल रैंकिंग में पहले नंबर पर इंदौर है, और पंजाब का जो जालंधर है उसको, उस शहर को देश का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट का खिताब मिला है। कैंटोनमेंट एरिया वो होता है जहां पे मिलिट्री या सेना के जवान रहते हैं, उनका परिवार वाले रहते हैं। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक प्राचीन पवित्र शहर वाराणसी, गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उनमें से सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी को माना गया है। इसके अलावा रैंकिंग की बात करें तो टॉप 10 शहरों में इंदौर लगातार साल 2017 से ही सर्वेक्षण में शीर्ष पर है,
और देश के स्वच्छ शहरों में सूरत दूसरे स्थान पर, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर, लखनऊ अपना 12वें स्थान पर है, आगरा 16वें स्थान पर है, गाजियाबाद 19वें स्थान पर है, प्रयागराज 20वें और कानपुर 25वें और वाराणसी 27वें स्थान पर आया है। तो इस रिहाज से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कानपुर जो है वो गंगा के किनारे जो बसे हुए शहर है उनमें ज्यादा स्वच्छ नजर आ रहा है। पता नहीं किस तरीके से रैंकिंग की है इन्होंने। हाल फिलहाल कानपुर 25वें नंबर पर है पूर्ण रैंकिंग में। गंगा के किनारे वालों की बात की जाए तो वाराणसी पहले नंबर पर है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में चौथे नंबर पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, पांचवें पर अहमदाबाद, छठे पर राजकोट, सातवें पर भोपाल, आठवें पर चंडीगढ़, नौवें नंबर पर विशाखापट्टनम, दसवें नंबर पर बड़ोदरा रहा है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जालंधर कैंट को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण किस तरीके से निकाला जाता है, ये रैंकिंग किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, इसमें यह देखा जाता है कि किन किन घरों में कूड़ा एकत्रित करने की सुविधा है, सैनिटाइजेशन कैसा है, सैनिटाइजेशन का मतलब यह है कि जो नालियां वगैरह बनी हुई हैं वो किस तरीके से, ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का है, पानी एकत्र होता है तो उसके निकासी के साधन किस तरीके से हैं, और नगर निगम कितना चुस्त दुरुस्त है, इसके अलावा जनता की राय में उनका शहर खुद कितना ज्यादा स्वच्छ है। तो इन सभी की रैंकिंग के निकालने के बाद एक कॉमन रैंकिंग दी जाती है, अंक दिए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, और इसमें इंदौर को सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। अगली जानकारी पर चले तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं रोहित शर्मा, रोहित शर्मा से जुड़ी हुई दो न्यूज है, एक यहां पर है एक मैं आपको बता रहा हूं। रोहित शर्मा को अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और होपफुली उन्हें मिल भी जाएगा। तो स्पोर्ट्स आई वियर एक ब्रांड है ओकले, काफी महंगा ब्रांड है, बहुत महंगे महंगे चश्मे होते हैं इसके। तो इसने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था मैंने ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, हरभजन सिंह बनाए गए हैं। इस साझेदारी के तहत शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेस तकनीक से लेस ओकले आईवीआर पहनेंगे और इन्हें ये मैदान में भी पहनना होगा और बाहर कहीं भी जाएंगे तो बताते फिरेंगे कि हाँ हमने ओकले का पहन रखा है। तो ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए रोहित शर्मा, जिनको अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने से अमित पंघाल, जो कि इस समय भारतीय नंबर वन मुक्केबाज हैं, थोड़ा सा गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि क्रिकेटरों को ही हक है केवल खेल रत्न पुरस्कार पाने का, मैं भी तो इतने समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं, मुझे खेल रत्न पुरस्कार क्यों नहीं मिलता। और यह सही बात भी है कि भारत में क्रिकेट के साथ पक्षपात होता है, मतलब क्रिकेट की वजह से बाकी खेलों के साथ पक्षपात होता है। आप एग्री है ना इससे, लग तो रहा है। आगे चलते हैं, अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी में गुजरात क्या करने वाला है, गुजरात सरकार ने क्या किया है कि राज्य के 5 शहरों में एक मंजूरी दी है कि आप बनाओ बनाओ जितना ऊंचा बना सकते हो बनाओ, 70 मंजिला से या इससे अधिक ऊंची इमारत आप बना सकते हो। अभी तक ऐसे वहां पर आजादी नहीं थी, अभी ऐसी परमिशन नहीं थी, अभी 22 से 23 मंजिलों से अधिक की इमारत आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अब आप 70 मंजिल से ऊपर इमारत बना पाएंगे, बशर्ते आपने सारे लाइसेंस लिए हो, आपकी जो बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हो वो हवा का दबाव झेल सके, साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सुविधा आपकी बिल्डिंग में जरूर आपको बनानी पड़ेगी, दूसरा कूड़े का जो निष्पादन होगा, सौर ऊर्जा के प्लांट आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये कई सारी शर्तें उन्होंने बताई हैं कि इसको इस तरीके से लेके आना है। और ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने का एक ही मकसद होता है कि जमीन का सही यूटिलाइजेशन करना। सही यूटिलाइजेशन क्या करना, मतलब कि कम जगह पर ज्यादा लोग रह सके, तो ऊंची बिल्डिंग बनाते चले जाओ तो लोग रहना शुरू हो जाएंगे। और ये कंसेप्ट मुझे पर्यावरण की दृष्टि से भी थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि अगर आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं तो जमीन का यूटिलाइजेशन नहीं होता और इस तरीके से मानव का हॉरिजेंटल प्रसार नहीं होगा। हॉरिजेंटल प्रसार मतलब क्षैतिज अवस्था में मानव नहीं फैलेगा, मानव वर्टिकल अवस्था में ही फैलता चला जाएगा। तो हाल फिलहाल अब गुजरात सरकार ने यह मंजूरी दी है, तो अब गुजरात सरकार के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में आप बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें देख पाएंगे। और कभी कभी जैसा न्यूयॉर्क वगैरह में जाने का सपना होता है कि जापान वगैरह में जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखेंगे, तो इस तरह का सपना आप गुजरात में भी घूम करके आप कुछ सालों में पूरा कर पाएंगे। क्योंकि गुजरात की बात की गई है तो गुजरात से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स भी हमको यहां पर देखना पड़ेगा। पिछले 6 महीनों के दौरान गुजरात क्यों चर्चा में रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात तो अभी हाल ही में एमएसएमई के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसका नाम था एट वन क्लिक जो प्रोग्राम था, इसके जरिए एमएसएमई जो मतलब आपके छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो धंधे हैं, उनको सरकारी सुविधा प्रदान करना, साथ साथ उनको रोजगार पोर्टल से कनेक्ट करना भी इसका मेन एम रहा। तो एट वन क्लिक कहां की योजना है, गुजरात की योजना है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना,
ये एक योजना है जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन 2% सब्सिडी रेट पर, 2% इंटरेस्ट रेट पर दिया गया था, ताकि लोग अपने नए उद्योग धंधों को शुरू कर सके और जो लोग रोजगार खो चुके हैं वो अपना नया रोजगार शुरू कर सके। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है कि माधवपुर का मेला कहां पर देखने को मिलता है। माधवपुर का मेला जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और ये अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि ये जो मेला है ये श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के मतलब स्थल के या विवाह की स्मृति के रूप में मनाया जाता है, विवाह के रिमेम्बरेंस के रूप में मनाया जाता है। ये मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल ने पूछा था कि माधवपुर का मेला किस भगवान के ऊपर या किस देवी या देवता के ऊपर आधारित है, तो उसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी का नाम होना चाहिए। ऑप्शन में श्री कृष्ण चारों ऑप्शन में दिया गया था और शायद उसके साथ जो राधा और फिर इस तरीके से गौरी इस तरह से चेंज करते चले गए थे, तो श्री कृष्ण एंड रुक्मिणी। अगला है, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहां पर आयोजित करवाया था, गुजरात के गांधीनगर में इसको एड्रेस किया था। पहला कृषि मंथन 2020, कृषि मंथन 2020 ये आपके गुजरात अहमदाबाद में शुरू हुआ और गुजरात जो है वाटर एफिशिएंसी सर्वे 2019 के अंतर्गत देखा जाए तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत सबसे अच्छा राज्य रहा है जिसने पानी को यानी कि ग्राउंड वाटर को अच्छे से मैनेज किया, जबकि इसमें सबसे खराब स्थिति में दिल्ली रहा। इंडिया जो है उसने अभी हाल ही में भारत में 13वीं कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी माइग्रेटरी स्पेसीज को लेकर और उसका जो आयोजन किया गया वो गुजरात में किया गया माइग्रेटरी स्पेसीज। इस बार जो इसका मस्कट था वो आपका था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोडावन पक्षी भी कहते हैं और इसकी थीम थी माइग्रेटरी स्पेसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। कहने मतलब था कि प्रवासी पक्षी या प्रवासी जातियां जो है वो पूरे संसार को पूरे ग्रह को आपस में कनेक्ट रखती हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। ये आपका 13 कॉप जो हुआ था कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज यानी कि CCMSWM, तो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर ये आधारित था। जो प्रवासी पक्षी होते हैं या प्रवासी जाति के पक्षी होते हैं वो वहां से हमारे देश में आते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया गया था। गुजरात पुलिस जो है ये भारत की पहली पुलिस है जिसको टेसर गन मिली है। टेसर गन एक झटका देने वाली गन होती है, आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में इसका। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में डच कंपनी है एक, उसके साथ नीदरलैंड की कंपनी है, उसके साथ एक समझौता किया है भारत की पहली फ्लाइंग कार बनाने के लिए, पालवी लिबर्टी उसका नाम होगा। पांचवा एडिशन इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइसेस का 2020 का कॉन्फ्रेंस हुआ, ये गांधीनगर में हमें देखने को मिला था। और गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में उम्बारे आंगनवाड़ी नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था ताकि जो बच्चे हैं उन्हें लॉकडाउन के दौरान भी खाना पहुंचाया जा सके जो मिड डे मील पर आधारित है। कर्नाटक जो है जिसने रिन्यूएबल कैपेसिटी यानी कि अक्षय ऊर्जा या सोलर रूफ टॉप लगाने में पहला स्थान हासिल किया है, लेकिन डोमेस्टिक सोलर रूफ टॉप में गुजरात का स्थान पहले है। ओवरऑल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पर, जबकि डोमेस्टिक यानी घरों के ऊपर सोलर रूफ टॉप लगाने के मामले में बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा गुजरात में हुआ है। कैपिटल गांधीनगर है ऑल वी नो, एंड विजय रूपानी बीजेपी के हैं, राजकोट से सांसद हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, फ्लावर मैरीगोल्ड, राजकीय फूल गेंदे का फूल, ससुराल गेंदा फूल है ना, फ्रूट मैंगो आम, और स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन, कभी तो पधारो गिर के शेर देखना, गिर के शेर गुजरात में गिर है ना, तो एशियाटिक लायन जो है वो स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड ग्लिटर फ्रेमिंगो, और स्टेट ट्री है बनियान यानी बरगद का पेड़ जो है वो यहाँ का राजकीय वृक्ष है। तो ये गुजरात रहा पिछले 6 महीने के दौरान का। हिंदी में भी आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। अगली जानकारी है, समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए पोरबंदर में एक प्रयोगशाला शुरू की गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि समुद्री खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे कि मतलब मछली हो गया, केकड़ा हो गया, जाने क्या क्या खा लेते हैं लोग, घोंगा वगैरह भी खा लेते हैं मैंने सुना है, तो उसमें देखा जाता है कि जल में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, भारी धातुएं होती हैं जैसे कैडमियम आर्सेनिक पारा, जिनकी वजह से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आपने इटाई इटाई का नाम सुना है? जी हाँ, इटाई इटाई एक रोग था जो 1912 में जापान में फैला था। इटाई इटाई पानी से होने वाला रोग है जो कैडमियम की वजह से फैलता है। कैडमियम की वजह से क्या फैलता है? इटाई इटाई नाम का एक रोग फैलता है। इटाई इटाई जापान का मतलब होता है दर्द देने वाला।
इसके अलावा पारे यानी मरकरी से फैलने वाला रोग है। मरकरी की अगर मात्रा आपके शरीर में 1 मिलीग्राम से अधिक पहुंच जाए तो आपके फेफड़ों में संक्रमण होना शुरू हो जाता है और गर्भावस्था में ये बहुत ही विषैला हो जाता है। वैसे अगर हम खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत पारा हमारे अंदर जाता रहता है, लेकिन अगर 1 मिलीग्राम से ऊपर पहुंच गया तो ये विषाक्त कर देता, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो पारे की वजह से एक जापान में बीमारी फैली थी मिनीमाता। इसके अलावा एक और भारी धातु होती है आर्सेनिक। आर्सेनिक की वजह से जो रोग होता है वो होता है ब्लैक फुट, और आर्सेनिक पानी में बहुत अच्छे से घुलनशील है। हम जान भी नहीं पाते हैं कि आर्सेनिक वाला पानी हमने कब पी लिया। इसीलिए आपके घर में अगर आरओ नहीं लगा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ वाटर प्यूरिफायर नहीं लगा हुआ है, तो उसको जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पानी से जो बीमारी होती है वो किसी भी तरीके से जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। हाल फिलहाल हम बात कर रहे थे, भटक कहीं गए, बीमारी पे चले गए। तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपेडा ने समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात करने वालों के लिए पोरबंदर में एक गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला क्वालिटी कंट्रोल लैब शुरू की है, ताकि खराब या क्योंकि ये सारे के सारे जो रोग थे, जैसे कि मिनीमाता की बात करें तो मिनीमाता की खाड़ी है जापान में, यहां पे एक रासायनिक फैक्ट्री ने क्या किया था, वहां पे पारे के कुछ अंश छोड़ देते। हुआ क्या कि उससे पानी में वो गया और फिर उसको मछलियों ने खाना शुरू कर दिया, तो मछलियां विषैली हो गई। फिर उन मछलियों को जिन लोगों ने खाया था उनको ये रोग हो गया था। 56 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी और कई सारे लोग विकलांग हो गए थे, कई सारे जो बच्चे थे जो पेट में थे उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो इसका जो उद्देश्य है वो है समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय नियामक जरूरत के अनुसार सुनिश्चित करना। एमपीडा के अध्यक्ष के एस श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कहां किया? गुजरात के पोरबंदर में। तो आज का पूरा न्यूज तो गुजरात के लिए ही चल रहा है। अगली जानकारी एक तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ये आप देख लो, यहां पर एक स्लाइड मैंने लगा रखी है, ये आर्सेनिक की पानी, आर्सेनिक वाला पानी पीने की वजह से, इसको प्रोटोप्लाज्मिक कहा जाता है। ये एक तरह का विष होता है जो एंजाइमों के सल्फाहाइड्रेट समूह को अवरुद्ध कर देता है। आर्सेनिक की वजह से चमड़ी और फेफड़ा यानी कि जो आपका स्किन है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, और इसको कैंसर जनक भी माना जाता है। तो ये जो भारी धातुएं हैं इनकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है शरीर को। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक देखें तो जो भी भारी धातु है उसे मनुष्य पर शरीर पर क्या प्रभाव होता है। कैडमियम होगा तो इसकी वजह से दस्त या हृदय रोग शुरू हो सकता है। लेड की वजह से गंभीर पेट संबंधी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। गैस्ट्रोनॉमी पर काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है ये। और मरकरी की बात करें तो ये आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। आर्सेनिक की बात करें, अगर 100 मिलीग्राम से ऊपर आपके शरीर में चला जाएगा तो इसकी वजह से ही इफेक्ट आएगा। अगर आप 100 मिलीग्राम से कम लेते हैं और आप उसको 6-7 महीने में भी मतलब 1-2 मिलीग्राम चला जाता है तो कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन क्रोमियम एक बड़ी बात है, साथ के साथ जाने पर यह कैंसर की संभावना उत्पन्न करता है। सबसे खतरनाक तो आर्सेनिक होता है, क्योंकि आर्सेनिक से जो बीमारियां शुरू हो जाती हैं वो त्वचा पर भी इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। तो हाल फिलहाल ये इस तरह की लेबोरेटरी रहेगी तो कम से कम उनके बारे में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगली जानकारी है, इंडियन पोस्ट ने अभी हाल ही में 74वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन कुछ स्टैंप जारी किए हैं, और ये स्टैंप भारत की प्रमुख धरोहरों जिनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है यूनेस्को द्वारा, उनके ऊपर ये स्टैंप जारी किए गए हैं ताकि उनके महत्व को बढ़ाया जा सके, और ये इस श्रृंखला का तीसरा भाग है। इसमें अहमदाबाद का एक ऐतिहासिक शहर दर्शाया गया है, अहमदाबाद को एक ऐतिहासिक शहर के रूप में दर्शाया गया है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट दर्शाए गए हैं, पदक्कल का एक स्मारक समूह दर्शाया गया है, और खजुराहो के स्मारक समूह को भी इसमें दर्शाया गया है, और कुतुब मीनार को भी इसमें दर्शाया गया है। तो कौन कौन सी चीजों के ऊपर, कौन कौन से विरासत स्थल के ऊपर अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट ने अपने डाक टिकट जारी किए हैं, तो वो है अहमदाबाद, गोवा, पदक्कल, खजुराहो और कुतुब मीनार। अगली जानकारी तक चले तो एक धनवंतरी रथ जो है वो दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में संरक्षणकारी और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवाओं की आयुर्वेदिक पद्धति को पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो कैब होगी उसके अंतर्गत जो भी उनके परिवार वाले जिस भी कॉलोनी पे पुलिस वाले रहते हैं, जिन्हें पुलिस कॉलोनी कहा जाता है, वहां पर उनके परिवार को आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी सामग्री पहुंचाने के लिए धनवंतरी नाम का रथ जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली पुलिस और AIIA के बीच में यह समझौता हुआ है। धनवंतरी रथ पुलिस कल्याण केंद्रों की पहुंच AIIA की OPD यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेवाओं तक होगी। उनका लक्ष्य आयुर्वेदिक निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के माध्यम से दिल्ली पुलिस के परिवारों को लाभान्वित करना है। धनवंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की चलती फिरती इकाई में डॉक्टरों की एक टीम भी शामिल रहेगी जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करती रहेगी। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीडैक, आईआईटी मद्रास और माई जीओवी ऐप द्वारा एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज को शुरू किया गया है। इस स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत करने का मेन मकसद यह है कि हमारे देश में जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ावा लेना, क्योंकि अभी तक जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं उनमें से सभी किसी कोई सभी में से मतलब कोई भी ऑलमोस्ट कोई भी हमारे देश में ऐसी कंपनी नहीं है जो भारत में बने प्रोसेसर का प्रयोग करती हो। उसका सीधा सा मतलब यही है कि हम उतने अच्छे प्रोसेसर नहीं बना पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस चैलेंज के जरिए लोगों को इनोवेट करना है, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारे टेक अधिकारी हैं, उनको इस तरह से प्रमोट करना है कि भाई आप भी अच्छा अच्छा प्रोसेसर बनाओ, ताकि जो विदेशी कंपनियों से हमें प्रोसेसर लेने पड़ते हैं वो प्रोसेसर नहीं लेते। प्रोसेसर से याद आया एक चीज, प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बेहतरीन पार्ट होता है, आप उसे कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी तरह की गणनाएं होती हैं उसमें प्रोसेसर का अहम रोल होता है। जब कभी भी आप फोन खरीदने जाते हैं तो प्रोसेसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फोन की बात करूं तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वर्तमान समय में चल रहा है, लेकिन इस समय विश्व का सबसे बेहतरीन प्रोसेसर है किरीन 990, जो टेक्नोलॉजी के तौर पर एप्पल के फोन्स में भी उपलब्ध है, हुआवे के फोन्स में भी वो उपलब्ध मिल जाएगा, कुछ फोनों में आपको वो उपलब्ध मिल जाएगा। लेकिन किरीन 990 को उत्पादन अभी हुआवे को बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है, और किरीन प्रोसेसर बनाने के लिए कई सारा जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होता था वो हुआवे अमेरिका से ही मंगाता था, और ऐसी स्थिति में किरीन 990 का प्रोसेसर अब बंद होने वाला है। तो फिलहाल इस प्रतियोगिता का जो समापन होगा वो 2021 में होगा स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज के तहत। स्मार्ट डिवाइस यानी कि आपके फोन स्मार्टफोन पैड, उसके लिए हार्डवेयर का निर्माण करना होगा। यह चैलेंज ऐप इनोवेशन चैलेंज जैसा ही है, जिसमें कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। इस चैलेंज को भी माई जीओवी ने लॉन्च किया है। इसके तहत सर्विलांस, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल कंडीशन मॉनिटरिंग, स्मार्ट फैन, स्मार्ट लॉक और वॉशिंग मशीन के लिए हार्डवेयर का निर्माण भी करना होगा। तो हाल फिलहाल आपको याद रखना है स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज किसने शुरू किया है? आईआईटी मद्रास के साथ सीडेक ने इसका शुभारंभ किया है, और रविशंकर जी जो कि आपके इस वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह था कि अगर मुझे आईआईटी मद्रास का नाम याद आ रहा है तो आईआईटी मद्रास का नाम अभी पता चला है कि अटल रैंकिंग में जो इनोवेशन पर आधारित संस्थाएं हैं, इस बार अटल रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान का दर्जा भी आईआईटी मद्रास को मिला है। कल ही बताया था शायद। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया काम किया है मध्यप्रदेश सरकार ने, मतलब इसे बढ़िया भी कह सकते हैं, व्यंग वाला बढ़िया भी कह सकते हैं। उन्होंने एक काम किया है कि महाराष्ट्र सरकार की तरीके ही, महाराष्ट्र में भी कुछ इस तरीके के नियम है कि लोग मानते हैं कि नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र पर महाराष्ट्र के लोगों का ही कब्जा होना चाहिए, महाराष्ट्र की नौकरियों पर महाराष्ट्र के लोगों को ही रहना चाहिए। कुछ लोगों को ये सोच स्वार्थवादी भी लग सकती है, कुछ लोगों को ये सोच अपने अपने सोचने का तरीका है, तो अपने को क्या कर सकते हैं। फिलहाल न्यूज ये है कि मध्यप्रदेश सरकार ने बोला है कि सरकारी नौकरियों में अब सिर्फ और सिर्फ मध्यप्रदेश के युवा ही भाग ले पाएंगे, जो मध्यप्रदेश की सरकारी नौकरियां हैं। तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रदेश की सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की सरकारी नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी, और इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के युवाओं का भविष्य बेरोजगारी भत्ते के बैसाखी पर नहीं टिका सकता, हमें उनके लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तो जो यहाँ का मूल निवासी है उसके लिए शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य मानने का यही मेरा सपना है। तो अगर सभी राज्य इस तरीके का कर देंगे ना, तो एक भारत के अंदर कई भारत नजर आएंगे। मतलब ठीक है, आप बढ़ावा दे दो, आप आरक्षण दे दो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मध्यप्रदेश के लोग ही अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सभी राज्यों ने ये सब करना शुरू कर दिया तो ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर उतनी सरकारी नौकरियां नहीं है, तो उस राज्य के लोग क्या करेंगे। फिलहाल हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, थोड़ा बहुत आरक्षण आप दे सकते थे, फिलहाल कर दिया है तो कर ही दिया, आप क्या कर सकते हो उसमें। आगे जाते हैं, अब बारी है न्यूज फटाफट की। लुइस अबिनादेर अभी आपके डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति बन गए हैं। लुइस रोडोल्फो अबिनादेर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह लिबरेशन पार्टी के डेबिनो मदीना का स्थान लेंगे। अबिनादेर एक मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी ने हाल ही में चुनाव में 53% वोट हासिल किए हैं, और जबकि सत्तारूढ़ पीएलडी के उम्मीदवार रहे, यानी कि लिबरेशन पार्टी के उम्मीदवार रहे गोंजाले कैस्टिलो को 37.7% वोट मिले हैं।
53 वर्षीय लुइस रोडोल्फो एबिनाडर 5 जुलाई को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है, जिसने सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी 100 साल से चली आ रही सत्ता का अंत हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। और वहीं दक्षिण अफ्रीका एक दो देश है माली, बताया आपको माली में क्या हो रहा है। माली में सेना ने विद्रोह कर दिया है और वहां के जो राष्ट्रपति हैं कीता बब्बार कीता नाम है उनका, इब्राहिम बब्बर कीता, बब्बार कीता ऐसा कुछ नाम है, नाम कंफर्म कर लीजिएगा। तो इब्राहिम कीता जो है, इब्राहिम तो कंफर्म है, इब्राहिम कीता कंफर्म है, बब्बर का कुछ समझ नहीं आ रहा, बब्बर या बबला ऐसा करके कुछ कीता है। और वहां के प्रधानमंत्री बाउबे सिस्सो को सेना के 4 अधिकारियों ने अपना नेतृत्व करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने बोला है कि भाई आप इनको छोड़ो, बिना शर्त छोड़ो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा क्या हुआ कि वहां पे ये करना पड़ा? बोला जा रहा है कि वहां पे शायद पैसे को लेकर विवाद है, जो तनख्वाह है या जो सैलरी है वो नहीं दी जा रही है ढंग से, जिसकी वजह से सेना ने विद्रोह कर दिया है। तो पश्चिम अफ्रीकी देश माली इस टाइम है खस्ता हाल में। माली की राजधानी है बमाको। डोमिनिकन गणराज्य की बात कर ले तो ये कैरेबियाई में एक देश है, इसकी जो राजधानी है सेंट डोमिंगो है, और लुइस अबिनाडर वर्तमान समय में यहां पर आपके राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। मुद्रा चलती है डोमिनिकन पीसो और ये उत्तर अमेरिका में आपको नजर आएगा। अफ्रीका देश माली, वहां पे गड़बड़ चल रहा है मामला। अगली जानकारी है अक्षय ऊर्जा दिवस। हर साल हम 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के रूप में इसे चुना गया है, क्योंकि राजीव गांधी जी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उन्होंने काफी ज्यादा काम किया था रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो सद्भावना दिवस में किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो वह राजीव गांधी। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। हर साल यह दिन स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, जो 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और 1984 से 89 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी थी। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। किस राज्य ने अपने राज्य से संबंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा कर दी है? तो वह है मध्य प्रदेश। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने संरक्षणकारी और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पद्धति को पहुंचाने के लिए धनवंतरी रथ शुरू किया है, किसके साथ मिलकर? दिल्ली पुलिस के लिए। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत किसने की है? रविशंकर प्रसाद ने, जो कानून मंत्री भी है। और दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन का कर्ज कौन देने वाला है? वो है ADB। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 में इंदौर आया पहले स्थान पर, सूरत दूसरे स्थान पर। और स्पोर्ट्स आईवीआर ओकले ने अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर, किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 5 शहरों में 70 मंजिला या इससे अधिक ऊंची इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है? तो वह गुजरात। और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? KS श्रीनिवास। और इन्होंने पोरबंदर में एक प्रयोगशाला की शुरुआत की है जो भारी धातुओं की जांच करेगी। किसने डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? वो है लुइस रोडोल्फो एबिनाडर। और भारतीय डाक सेवा में 5 सांस्कृतिक स्थलों को 5 स्मारक डाक टिकटों को 1 सेट जारी किया है। इसमें से कौन सा डाक टिकट का हिस्सा नहीं है? तो भीमबेटका की गुफाएं वहां पर नहीं है। ये आपका क्विज के फॉर्म में ज्यादा सही बनेगा। हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस यानी राजीव गांधी जी का जन्मदिन कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं। अब बारी है आज की क्विज की। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने संरक्षणकारी और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली पुलिस के लिए धनवंतरी रथ नाम की एक योजना शुरू की है, उसके लिए साइन किया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत किसने की है? रविशंकर प्रसाद ने, IIT मद्रास और CDEC के सौजन्य से। किस राज्य ने अपने राज्य से संबंधित लोगों के सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा कर दी है? तो वह है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के लोगों को ही मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी मिलेगी। तो फिलहाल किसने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है? तो वो है ADB। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है इंदौर। स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उनका नाम है रोहित शर्मा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 5 शहरों में 70 मंजिला या से अधिक ऊंची इमारत बनाए जाने को मंजूरी दी है? तो वो है गुजरात। और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? KS श्रीनिवास, जो पोरबंदर गुजरात के पोरबंदर में उन्होंने एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला की बात की है। और किसने डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वह है लुइस अबिनाडर।
और भारतीय डाक सेवा ने 5 सांस्कृतिक स्थलों का, 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। इनमें से भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसको शामिल नहीं किया गया है, जबकि पदक्कल, गोवा और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। इसके अलावा कुतुब मीनार है और क्या है, खजुराहो है। हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को हर साल हम अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं और इसके साथ ही देशभर में प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जन्मतिथि की याद में हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे, कई सारी नई जानकारी आपने जरूर ली होगी। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।